आप लोगों ने काफी कहानियां सुनी होगी, तो उनमें से एक ये मेरी कहानी है, मतलब मेरी नहीं, मेरे न्यू लैंप की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये कहानी स्टार्ट होती है 200 साल पहले। तब मैंने काफी जगह ये लैंप देखा जो मेरे सपनों में आने लगा, पर मैंने ये चीज काफी ज्यादा नोटिस करने लगा मूवीज में, कार्टून्स में, सीरीज में, मतलब जहां देखो वहां लैंप दिखने लगा मुझे। ये लैंप मुझे लास्ट में दिखा मेरे घर पे, मेरे रूम में लेफ्ट साइड में जहां पे मैं रिंग लाइट रखता था। तो जब रिंग लाइट रखने वाली जगह पे मुझे लैंप दिखने लगा तो मेरे को ख्याल आया कि इसे अब नहीं खरीदा तो खरीदेंगे कब। तो मैं चले गया लैंप को खरीदने, और ये है मेरा न्यू लैंप। तो भाई अभी मैंने ना माइक नहीं लगा रखा, ठीक है। प्लस तुम लोगों ने अभी तक सिनेमैटिक देख लिए होंगे, मेरी स्टोरी टेलिंग देख ली होगी। मैंने पूरी की पूरी वीडियो शूट बाद में, मतलब शूट पहले करी है और अनबॉक्सिंग बाद में कर रहा हूँ, ऐसा मैं नाटक कर रहा हूँ। पहले मैं आते ही मैंने सेटअप कर लिया था अपना, और ये कल की बात है जिसके बाद ब्लॉग में मैं लेके आया था। फिर मैंने इसे हल्का सा पैक किया आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे दोबारा माउंट करूंगा। तो ऐसा कुछ पन्नी में रैप होके ये शीट आती है, मेरे को नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, पर ये शीट आती है। ऐसे कुछ पन्नी में ये रैप होके आता है, जो ये आप लोगों ने देखा होगा सिनेमैटिक में, जिसके अंदर बल्ब लगता है। यहाँ पे अभी मैं पूरा पूरा बताऊंगा कैसे माउंट करना होता है इसे, कैसे नहीं। पहले अनरैप कर लेते हैं सारी चीजें। ये है मेरा बल्ब, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरी जिंदगी का पहला बल्ब है जो स्क्रू से लगता है। मतलब मैंने आज तक वो वाले बल्ब देखे थे जो ऐसे करके माउंट में नॉर्मली लग जाते ना, वो वाले बल्ब देख रहे, पर ये मेरा पहला बल्ब है जिसमें स्क्रू है। मतलब ऐसा मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखे हैं ऐसे बल्ब, जैसे बल्ब है एक्चुअली में स्क्रू वाला। और ये तो दो चीजें हो गई, और ये है हमारी मेन यूनिट। इसको भी मैंने दोबारा पैक किया है, टेप वगैरह लगाई है, अभी जस्ट किया था मैंने पैक। तो इसको भी हटा लेते हैं, और तो ये है हमारी मेन यूनिट। और इसमें अगर तुम लोगों नीचे दिख रहा होगा सिनेमैटिक में देखे होंगे तुम लोगों ने, ये वाले पेज, एक सेकंड फोकस हो जाए, इधर फोकस हो जाए, ये वाले पेज देखे होंगे। तो ये अनस्क्रू करके तुम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो कि तुम्हें कितना लंबा रखना है और कितना छोटा रखना है। ये यूनिट है, और इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ अभी मैं। प्लस में बता दूं, ये मेरे को पड़ा है 1200 रुपए का, और उन्होंने मेरे को बोला था ये होगा 2200 रुपए, उन्होंने मेरे को बोला था, उसके आधे प्राइस में मैं सीधा लेके आया हूँ। 2200 रुपए का आधा 1100 हुआ, और प्लस अगर तुम लोग लेने जाओगे तो ये जो 100 रुपए का बल्ब है ये अलग से लेना पड़ता है तुम्हें, तो 1200 रुपए होते हैं। तो ऐसे हुआ ये, मतलब ये और ये एक ही यूनिट है। तो ये है 1100 रुपए का, 100 रुपए से अलग से बल्ब, ये बंजारा मार्केट का सच। तो यहाँ पे आएगा बल्ब, ये बल्ब होल्डर, ठीक है, और तुम इसकी भी लेंथ बढ़ा सकते हो अप डाउन, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो इसकी लेंथ भी बढ़ा सकती है। यहाँ पे स्क्रू दे रखा है जिससे तुम्हें टाइट रखना है ताकि माउंट घूमे ना। अब नॉर्मली तुम्हें शीट लगानी है ये वाली, ऐसे करके ये शीट आ जाएगी और ये हो जाएगा टाइट। तो भाई ये पूरा का पूरा एक जो वीडियो था, ये पूरा का पूरा एक लैंप के ऊपर कैसे हो सकता है, तुम लोग ये सोच रहे, पर सच बताऊं तो जो चीज तुम डिजर्व नहीं करते और वो चीज तुम्हें मिल जाती है ना, और जो चीज तुमने बचपन से सोचा हुआ होता है कि भाई पैसे होंगे ना तो ये चीज लूंगा, और वो चीज जब तुम ले लेते हो तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मैंने काफी जगह काफी टाइम मैंने ये चीज नोटिस करी है, मतलब देखने की एक बात अलग होती है कि देख लिया चलो ठीक है देखा हुआ है, पर मैंने प्रॉपर नोटिस करी है चीजें ना कि यार ये लैंप कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब सच में। और उस भाई को थैंक यू सो मच, भाई मनीष यादव नाम था उनका, पिछले वाले ब्लॉग में तुमने देखा होगा, भाई कसम से वो बंदा बहुत जेन्युइन था। तो देखो ज्यादा लंबा खींचने पे, ज्यादा स्टोरी टेलिंग करने पे बेकार ही होने वाले सीन, ठीक है। बस मेरे को चाहिए था, मेरे को पसंद था। ये वाली लाइट जो आ रही है वो आ रही है अभी लैंप से, मेरे को नहीं पता इस लैंप को क्या बोलते, टेबल लैंप या फिर जो भी आप लोगों को जो ठीक लगे वो बोल सकते हो। बहुत ही प्यारी लाइट आ रही है भाई, और ये डिम लाइट बल्ब बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ गया मेरे को। तो ऐसा करते ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग के लिए, इतना रखते। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखे अपने और अपना, बाय बाय।
और अभी सीन ऐसा है कि भाई सिर्फ मेरे को ये क्या नाम है ये ब्लॉग एडिट नहीं करना, अभी मेरे को फाइल ट्रांसफर करनी है और मेरे को जाना है द्वारका लूस के पास। मेरा मन तो था नहीं वैसे, पर जा रहा हूँ मैं, मेरे को मेमोरी कार्ड देना है, डाटा देना, मतलब डाटा ट्रांसफर करना है थोड़ा, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ।